हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ ब्रेड की दो यूनिक रेसिपी शेयर करने जाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये दही लिया हुआ है। यहाँ पे अपने को पतला दही नहीं लेना है, गाढ़ा दही लेना है। थोड़ा सा अपने को ज्यादा पानी रहेगा तो कॉटन के कपड़े में डाल के थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें मैं क्या है कि कोई आटा नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसीलिए दही हम लोग को गाढ़ा लेना है। थोड़ा सा ओरेगेनो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा चिली फ्लेक डाल रही हूँ। यहाँ पे आप चाहिए तो मिक्स हब भी और ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने काला मरी, ब्लैक पेपर पाउडर रहता है, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन सभी चीजों को अपने को मिक्स करके लेना है। ये बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। एक बार जरूर इस तरह से ट्राई करना आप। ब्रेड जब भी बच जाए तो एक बार ट्राई करना। देखो, दही को अच्छे से मिक्स करके लिया हुआ है। और थोड़ा सा मैंने क्या किया है, तड़का लगा रहे इसपे। तेल गरम रख दिया, कर दिए। तेल में थोड़े से राई के दाने डालने हम लोग को, और एक से दो मिर्ची के टुकड़े मैंने बारीक कट करके लिए हुए, वो इसमें हम लोग डालेंगे। और फिर ये तड़का हम लोग इसमें डाल देंगे, दही में। ये टिफिन वगैरह बॉक्स में आप दे सकते हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लग सकते हो। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। साथ ही साथ देखो, थोड़ी सी कोथमीर डाल के मिक्स करके लिया है मैंने। अभी ये तड़के वाला दही जो है वो हमारा रेडी है। एक साइड मैंने तवा गरम रख दिया था। ये नाश्ता बनने हार्डली 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी हम लोग को क्या करना है, ब्रेड जो है ना वो लेनी है और इसको डिप करनी है हम लोग को दही में। मैं यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहिए तो ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अभी एक तरफ से वो अपने को रख दिए और दूसरी ब्रेड भी आ जाएगी। दो ब्रेड एक साथ आ रही है तो हम लोग ने दो ब्रेड रख दिए ऐसे। टिफिन बॉक्स वगैरह में आप बच्चों को ऐसे देंगे ना तो ये सॉफ्ट की सॉफ्ट ब्रेड बनी रहती है। ये देखो, थोड़ा सा दही डाल, थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया। और ये हम लोग को लो फ्लेम पे होने देना है, पकने देना है। लो फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट में ये ब्रेड नीचे से सिक जाएगी। फिर दूसरी ओर से भी अपने को 1 से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, अलटते पलटते दोनों तरफ से मैंने थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तब तक शेक के लिया हुआ है। अभी कांदा रहता है ना, उसको मैंने स्लाइस करके लिया होता एकदम बारीक, और थोड़ा सा हरा धनिया, ये दोनों से मैंने गार्निश कर लिए यहाँ पे ब्रेड। अभी इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट बनी है ना ये ब्रेड। इतनी मस्त टेस्ट इसका पूछो ही मत, इतना मस्त लगता है। देखो, अभी हम लोग दूसरी रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं ब्रेड की। उसके लिए मैंने बेसन लिया हुआ है, चने का आटा जो रहता है ना नॉर्मल वाला, वही लिया है। यहाँ पे मैं पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पत्ता गोभी को मैंने बारीक कट करके लिया है चॉपर में, साथ ही साथ एक कांदा कट करके लिया हुआ है। थोड़ी सी शिमला मिर्च मैं डाल रही हूँ। एक गाजर को मैंने चॉप करके लिया हुआ है चॉपर में बारीक। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स अपनी पसंद के डाल सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली है, कॉर्न है, मटर है, फिर फूलगोभी है। जो भी सब्जी आप डालें, थोड़ी सी ग्रेट करके बारीक करके डालिए जिससे इसमें पक जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम लोग। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। अभी हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये इतना हेल्दी टेस्टी नाश्ते का ऑप्शन है, रात के डिनर में ले सकते हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। और पानी अपने को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ज्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सब्जी भी अपना पानी रिलीज करेगा ना, इसीलिए अपने को थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और अच्छा मीडियम, ना ही ज्यादा पतला ना ही ज्यादा गाढ़ा, ऐसा बैटर बना के लेना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हरा प्याज डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद की सब्जियां इसमें ऐड करिए, और आपके पास सब्जी ना हो तो ये सब्जी नहीं डालोगे वो भी चलेगा, जो सब्जी है उससे आप ये नाश्ता बना सकते हो। देखो, अभी अंदर बीच में भरने के लिए मैं एक स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पनीर लिया था, पनीर को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है अच्छा सा। और थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, मिर्ची डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा चिली फ्लेक डाल रही हूँ, थोड़ा सा ओरेगेनो डाल रही हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पे मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हो, या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हो थोड़ा सा।
थोड़ा सा मरी पाउडर डाल रही हूँ, ना हो कुछ भी तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा हरा धनिया और कोथमीर। सिंपल सा मसाला रहेगा मगर इतना टेस्ट इसका मस्त आता है ना। ये सैंडविच जब आप बनाओगे ना अलग तरीके की है, देखो मस्त अपने को मिक्स करके लेना है। स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है, देखो इस स्टफिंग में अभी और भी आप हर्ब्स जो भी आपके पास हो वो ऐड कर सकते हो। देखो अभी क्या करना है अपने को, तवा गरम रख दिया है, सेम बेसन के इसमें थोड़ा सा तेल रख देंगे जिससे वो घोल हमारा चिपके ना इस पे, और बेसन के इसमें घोल में हम लोग वो ब्रेड को डिप करके लेंगे, और दोनों तरफ से डिप हो जाएगी ना जबी, फिर थोड़ा चमचे की मदद से, मैंने थोड़ा सा सब्जी कैसे नीचे बैठ जाती है तो चमचे की मदद से थोड़ा और ऊपर भी सब्जी डाल देनी है हम लोगों को। देखो मस्त हम लोग की ब्रेड ऐसे रख देना है। अभी हम लोग को लो फ्लेम पे दोनों ब्रेड को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है, थोड़ा सा तेल डाल देना है हम लोगों को, फिर पकने देना है। ये इतनी क्रिस्पी ब्रेड रेडी होगी ना, और बहुत जबरदस्त नाश्ता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल सबसे भरपूर ये नाश्ता होने वाला है। देखो इसमें आप चाहिए ना तो वो घोल जो रेडी किया ना बेसन का, उसमें आप मेथी वगैरह पालक वगैरह भी यूज कर सकते हो, बारीक बारीक चॉप करके डालोगे ना तो बच्चे लोग आसानी से खा लेंगे, ऐसे बच्चे सब्जी नहीं खाते। देखो ब्रेड है ना दोनों तरफ से सिक चुकी है, अब मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चटनी लगा रही हूँ इसके ऊपर, और साथ ही साथ टोमेटो केचप लगाने वाली हूँ थोड़ा सा। आप चाहिए तो पिज्जा सीजलिंग का जो पिज्जा सॉस आता है ना वो भी यूज कर सकते हो, या फिर चिली सॉस वगैरह आता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीखा मीठे का कॉम्बिनेशन करना है, चाहिए तो मीठा चटनी भी, खट्टा मीठा चटनी रहेगा ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दिया है, स्टफिंग जो हमने रेडी किया था ना वो, और ऊपर दूसरा ब्रेड रख देंगे, और गैस की फ्लेम हमने लो चालू ही रखी है जिससे ये ब्रेड क्रिस्पी हो जाए। अभी हम लोग इसको पलट के लेंगे और दूसरी ओर से भी हम लोग इसको पकने देंगे, पक तो चुकी है बट अच्छे से मस्त क्रिस्पी बनने के लिए। और ये टिफिन बॉक्स वगैरह में आप जब भी ऐसा नाश्ता बना के दोगे ना तो बच्चे बेहद आसानी से खत्म करके आएंगे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसको आप ले सकते हो। और एक बात, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए,